जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यास देव ने किस कारण से गरुण द्वारा कहे गए विष्णु कथा को सूत जी को सुनाए, इस संबंध में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप गरुण पुराण का सभी अध्याय सुनना एवं पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जब सौनकादि ऋषिगण सूत जी से गरुण पुराण सुन रहे थे, उसी समय ऋषिगण ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, व्यास देव ने आपसे किस कारण से गरुण द्वारा कहे गए विष्णु कथा से परिपूर्ण इतिवृत्त का वर्णन किया था, इस रहस्य को हम लोगों को भी बताइए। यह सुनकर सूत जी कहते हैं, एक बार मैं मुनिगण के साथ बद्रिकाश्रम गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि भगवान व्यास परमेश्वर के ध्यान में बैठे हैं, तो मैंने उन्हें प्रणाम करके आसन ग्रहण करने के बाद उनसे जिज्ञासा किया कि हे व्यास देव जी, आप आज परमात्मा श्री हरि के रूप तथा उनके द्वारा किए गए सभी कार्य एवं जगत सृष्टि आदि प्रकरणों से वर्णन करिए तथा इस प्रकार मेरी इच्छा को पूर्ण करिए। आप इन महापुरुष श्री हरि का ध्यान करते रहते हैं, आपको उनका स्वरूप अनजाना नहीं है। हे ऋषिगण, जब मैंने गुरु व्यास देव जी से यह प्रश्न किया, तब जो उनका उत्तर था उसे यथावत कह रहा हूँ, आप सब लोग श्रवण करिए। वेद व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, मैं तुमसे गरुण पुराण कहूँगा, उसे श्रवण करो। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने दक्ष, प्रजापति, नारद आदि से इस पुराण को कहे थे। इसके बाद सूत जी व्यास जी से कहते हैं, हे भगवन, आप किस लिए दक्ष और नारद जी से मिले थे तथा ब्रह्मा जी ने पुण्यात्मक कथाओं के सार रूप में गरुण पुराण को आपसे कहा था? तब व्यास जी कहते हैं, एक बार मैं देवर्ष, नारद, दक्ष, भृगु आदि मुनिगण एकत्र होकर ब्रह्मलोक गए थे। वहाँ हम सब ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनसे जिज्ञासा किया था कि हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक सार तत्व का वर्णन करिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, गरुण पुराण सभी पुराणों का सार है। हे व्यास, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने देवताओं, रुद्रदेव को तथा मुझे इस सार तर पौराणिक कथा को सुनाया था, मैं उसी प्रकार तुमसे यह पुराण कहता हूँ। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, किस कारण से भगवान हरि ने देव गण के साथ रुद्रदेव से यह पुराण कहा था, आप इस विषय को मुझसे कहिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, मैंने एक बार इंद्र एवं अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर जाकर देखा कि रुद्रदेव परम पद का चिंतन कर रहे हैं, तो मैंने रुद्रदेव को नमस्कार करने के पश्चात जिज्ञासा किया कि हे शंकर, आप किसका चिंतन करते हैं? मैं तो आपके अतिरिक्त किसी भी देवता को नहीं जानता, यदि आपसे भी प्रधान कोई देव हो वह हमसे कहिए। उस सार तत्व के संबंध में सुनने हेतु देवताओं तथा हम लोगों की भी इसे सुनने की इच्छा हो रही है। यह सुनकर रुद्रदेव कहते हैं, मैं सर्व फलदायक, सर्वत्र गमन सक्षम, सर्व रूपधारी, सभी प्राणी जगत के हृदय में स्थित परमात्मा भगवान विष्णु का चिंतन करता हूँ। हे पितामह, मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए ही अंग में भस्म लिप्त करता हूँ, मस्तक पर जटा धारण करता हूँ तथा तपस्या करता रहता हूँ। वे प्रभु सर्वव्यापी, देह रहित, पद्मनाभ, हरि सभी विकारों के नाशक हैं। आप लोगों ने जो पूछा है, मैं इन सार रूप प्रभु का चिंतन करता रहता हूँ। वे प्रभु विष्णु परमेश्वर हैं। मैं उन सर्वात्मा को अपनी आत्मा से युक्त करके उनका चिंतन करता हूँ, जिनमें समस्त भूत समूह विद्यमान रहते हैं। प्रलय काल में भी जिनमें ये सभी भूत समूह लीन रहते हैं, उनमें ही प्रविष्ट होकर
स्थित रहते हैं। जिन भूतेश में ये गुण उस प्रकार से युक्त रहते हैं जैसे सूत्र में मड़ियाँ पिरोई जाती हैं, मैं उन सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, सहस्त्र उर वाले वरानन अणु से भी सूक्ष्म, स्थूलतम से भी अधिक स्थूल, भारी से भी भारी, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर प्रभु का चिंतन करता हूँ। जो वाक, अनुवाक, उपनिषद, साम्य, सत्यकर्मा, सत्य रूपी हरि के गुण वर्णित हैं, जो पुराण पुरुष हैं तथा जिनको द्विज लोग ब्रह्मा कहते हैं, जो प्रलय में संकर्षण कहे जाते हैं, मैं उनकी उपासना करता रहता हूँ। जिस प्रकार से जल में सकुल मस्त भासमान रहती है, उसी प्रकार सर्वलोक समूह उनके ही प्रकाश से प्रकाशमान तथा उद्भाक्षित होते रहते हैं। जो ऋतु एकाक्षर ब्रह्म हैं, जिनकी अर्चना देवता, यक्ष, राक्षस, नाग सभी करते हैं, जो सत, असत तथा परम हैं, मैं उनकी उपासना करता रहता हूँ। अग्नि जिनका मुख है, मूर्धा स्वर्ग है, आकाश नाभि है, काष्ठा बाहु है, जिनका श्वासोक्ष वास ही वायु है, मेघ जिनके केश हैं, नदियाँ समस्त अंगों की संधियाँ हैं, सभी चारों समुद्र समुद्र कुक्षी है, उन देव को मैं चिंतन करता रहता हूँ। जो काल से भी परे हैं, यज्ञादि से भी जिनको पाया नहीं जा सकता, जो सत तथा असत हैं, जो अनादि हैं तथा जगत के आदि रूप हैं, उन देव का मैं चिंतन करता रहता हूँ। चंद्रमा जिनके मन से, सूर्य नेत्र से, अग्नि मुख से उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न होती है, कानों से दसों दिशाओं की उत्पत्ति होती है, मूर्धा से स्वर्ग उत्पन्न होता है, उन देव का मैं सदा चिंतन करता रहता हूँ। जिनके वंश मनवंतर प्रवर्तित होता है, वंशानुचरित वर्णित होता है, मैं उन देवता का चिंतन करता रहता हूँ। मैं उनका सार तत्व साक्षात्कृत करता हूँ। इसके बाद भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, हे व्यास, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है, सभी देवताओं ने भी यही प्रश्न भगवान हरि से पूछा था, तब उन्होंने जो उत्तर दिया वह कहता हूँ, श्रवण करो। रुद्र ने पूछा, हे देवदेव, हे देवेश्वरी, सबका ईश्वर कौन है? हम सब किसका ध्यान पूजनादि करें? किस कर्म, किस विधान, किस धर्म पालन तथा पूजा का आचरण करने से, उनके किस रूप का चिंतन करने से वे प्रसन्न होते हैं? किस देव से यह जगत उत्पन्न है तथा इसका पालन कौन करता है? कौन देवता ऐसा है जिसके अंत में सब विलीन हो जाता है? किस देवता से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरादि प्रवर्तित होते हैं तथा ये सब किसमें प्रतिष्ठित हैं? हे हरि, यह सब समस्त सार तत्व मुझसे कहिए तथा अन्य सार तत्व जो हों वह भी मुझसे कहिए। यह सुनकर सूत जी ने कहा। तदनंतर हरि ने रुद्र देव से परमेश्वर का महात्म युक्त यागादि तथा 18 विद्याओं का वर्णन किया। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, आप ब्रह्म तथा समस्त देवगण श्रवण करिए, मैं ही देवताओं का भी देव, समस्त लोकों में ईश्वर का भी ईश्वर हूँ। मैं देवताओं का भी ध्येय, पूज्य तथा उनके द्वारा सत्यों से स्तुत हूँ। मैं रुद्र द्वारा पूजित तथा परम गति देने वाला हूँ। मानवगण नियम व्रत तथा आचार से मुझे ही संतुष्ट करते हैं। मैं ही जगत का स्थिति बीज तथा जगत करता भी हूँ। हे शिव, मैं ही दुष्टों का निग्रह करता तथा धर्म गोपता भी हूँ। मैं ही मत्स्यादि रूपेण उत्पन्न भी मैं ही हूँ। मैं ही स्वर्गादि करता हूँ तथा मैं ही स्वर्गादि भी हूँ। मैं ही ज्ञाता, श्रोता, मन्ता, वक्ता तथा वक्तव्य हूँ। मैं ही सर्व सर्वात्मक देव तथा भुक्ति मुक्ति देने वाला हूँ। हे रुद्र, मैं ही ध्यान, पूजा, उपहार, मंडलादि सब कुछ हूँ। हे शिव, सभी वेद तथा इतिहास मैं ही हूँ।
हे शंभु, मैं सर्व ज्ञानमय तथा ब्रह्मात्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि सभी लोक में मैं ही हूँ। मैं ही सर्व वेदात्मक भी हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार धर्म वैष्णव हूँ। मैं ही सर्वाश्रम धर्म तथा पुराण पुरुष हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम नियम तथा विविध व्रत हूँ। मैं ही सूर्य चंद्र मंगलादि भी हूँ। पूर्व काल में पक्षीराज गरुण ने धरती पर तपस्या द्वारा मेरी ही आराधना किया था। तब उनके तप से प्रसन्न होकर मैंने उनसे कहा था, मुझसे वांछित वर मांगो। तो गरुण ने कहा, हे हरि, मेरी माता विंता नागगण की दासी हो गई है। मुझे यह वर दीजिए कि मैं देवगण को जीत कर अमृत लाऊं तथा नागों को देकर माता को दासित्व से मुक्त करूं तथा आपका वाहन हो जाऊं। आप मुझे महाबली महावीर सर्वज्ञ तथा नागों को विदीर्ण करने वाला तथा पुराण संहिता कर्ता बनाए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुण, तुमने जो कहा वैसा ही होगा। तुम अपनी माता विंता को नागों की दासता से मुक्त कर दोगे। तुम सभी देवतागण को जीत कर अमृत ले आओगे। तुम महाबली विषनाशक तथा मेरे वाहन होंगे। मेरी कृपा से पुराण संहिता की रचना करके उसमें मेरी महिमा का वर्णन करोगे। मेरा जो स्वरूप वर्णित है वही तुम्हारा भी स्वरूप होगा। वह गारुण के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे विंतानंदन, देवगण ने जिस प्रकार मेरी ऐश्वर्य प्रख्यात है, उसी प्रकार सभी पुराणों से गरुण पुराण को ख्याति लाभ होगा। इस जगत में जो जिस रूप में मेरी महिमा तथा रूप का गायन करेगा, तुम भी जगत में तद्रूप कीर्तनीय रहोगे। हे पक्षीराज, तुम मेरा ध्यान करके पुराण का प्रणयन करो, इससे तुम्हारा श्रम फलीभूत होगा। हे रुद्र, गरुण को यह उपदेश मैंने दिया था। तत्पश्चात जब कश्यप ने जिज्ञासा किया था, तब पक्षीराज ने कश्यप से पुराण का इतिहास कहा। कश्यप ने तब गरुण पुराण सुनकर मृत संजीवनी विद्या से एक जले वृक्ष को जीवित किया था। उन्होंने स्वयं अनेक पदार्थों को बचाया था। यक्ष योम ओम स्वाहा गरुणोक्त संजीवनी मंत्र है। हे रुद्र, गरुण पुराण में जो जो विषय कहे गए हैं वह सब कहता हूँ, श्रवण करो। इसी के साथ गरुण पुराण पूर्व खंड का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यह गरुण पुराण कलयुग में सभी फलों को प्रदान करने वाला पुराण है। इस गरुण पुराण को जो भी व्यक्ति पितृ पक्ष के समय पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ता या सुनता है, वह सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो और यदि आप चाहते हैं कि गरुण पुराण का तीसरा अध्याय भी आपको पढ़ने व सुनने को मिले, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।